अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली। काजू कतली बहुत आसानी से बन जाती है घर के अंदर, तो आप देखेंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। तो हमने ये 1 कप मेजरिंग कप से नाप के हमने ये काजू लिए हैं। बस काजू आपके फ्रेश नहीं होने चाहिए, फ्रेश जो होते हैं वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं। हम इसको पीसेंगे तो उसका बुरादा अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि कैश्यू फ्लावर जो बनाएंगे वो अच्छा नहीं बनेगा। हो सके तो ये आपके जो फ्रिज में 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा जो काजू होते हैं वो अच्छे से क्रिस्प होते हैं वो लेने चाहिए। दांत के नीचे चबा कर देख लें, एकदम करारा काजू होगा। जितना करारा होगा उतना ही अच्छा बनेगा। आपके पास फ्रेश काजू है तो आप 5 मिनट के लिए उसको ओवन में पहले थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर बाहर आने के बाद ठंडा कर लें। कलर बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, तब उसका पाउडर बनाएं। तो ये हमने 1 कप काजू लिया है। काजू से 1/4 हमने चीनी ली है, काजू से 1/3 हमने चीनी ली है और काजू से 1/4 हमने पानी लिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पाउडर बना लेते हैं जो कि हमने बना के रखा हुआ है। तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं, एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर काजू से 1/3 जो हमारे पास चीनी है वो ऐड कर देते हैं और ये काजू से 1/4 जो हमारे पास पानी है वो ऐड कर देते हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं पकने के लिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्लो फ्लेम पर रख देते हैं। इसके अलावा हमने ये एक बाउल लिया है और ये छन्नी ली है। छन्नी आपको मोटी लेनी है। आप देखेंगे हमने ये काजू अपने पीस लिए हैं। काजू पीसते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप काजू को बहुत देर तक ना घुमा दें। बहुत देर तक घुमाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म से खत्म होके वो आपका, तो जितने उसको बिल्कुल देखते रहें, चाहे थोड़े से काजू हमारे मोटे भी रह जाए तो उसका हरज उसको पीसने के चक्कर में आप इसको एकदम से जमा जमा सा ये लिक्विड फॉर्म में ना कर लें। तो हम इसे छान लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 2 टीस्पून होममेड देसी घी है। हम 1 टीस्पून इसके अंदर भी डालना पसंद करते हैं, वैसे आप ना डालना चाहें तो कोई हरज भी नहीं है। और हम अपना बटर पेपर ग्रीस करने के लिए भी हमें ये हमारा देसी घी चाहिएगा। इसके अलावा हमारा ये होममेड कार्डिमम पाउडर है, इसके अंदर एक छोटी सी चम्मच 1 पिंच की बराबर डली हुई होती है। हमें ये 1 पिंच ही चाहिए। ये हम खोल के दिखा रहे हैं, वैसे इसको खोल के बिल्कुल ना रखें। ये हमारा होममेड है, ये जरूर बना के रखें, आपका पूरा घर महक जाएगा। तो हम फटाफट दोबारा छानने के बाद जो ये बचेगा हम इसे बिल्कुल नहीं लेंगे। इसका इतना सभी आप लालच ना करें, क्योंकि हम ये डाल देंगे तो हमारी कतली में ये बाद में अच्छा नहीं दिखता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। हम चालू नहीं करा था वो हम अब कर रहे हैं और हम इसको, ये हमारी चीनी इसी तरीके से पड़ी हुई है अभी तक, तो हम इसको स्लो फ्लेम पर बहुत देर हम इसको नहीं पकाएंगे, सिर्फ चीनी घुल जाने तक पकाएंगे। 70 सेकंड लग गई हैं, 1 मिनट से जरा सी ज्यादा ही लग गई हैं और आप देख सकते हैं इसके चीनी का एक भी कण अब इसके अंदर नहीं है, वो बिल्कुल घुल चुका है। हमें ये ऐसा ही चाहिए था। हम इसकी चाशनी को बहुत ज्यादा पकाना पसंद नहीं कर सकते हैं, अभी भी हमारा स्लो फ्लेम ही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये कैश्यू फ्लावर डाल देते हैं क्योंकि हम इसको पकाना पसंद करते हैं और ये भी स्लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ये एकदम से ठीक हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत आराम आराम से हम इसको स्लो फ्लेम पर, एक भी इसके अंदर लम्स ना रहे, बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा और पूरा हमें लगेगा इसमें एक भी लम्स नहीं है, तब हम इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे। ये देखें अभी भी हमारा स्लो फ्लेम ही है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हलवे की तरह पक रहा है। इसी तरह हमें इसे पकाना है, अभी हम इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक ये पूरा एक तरीके का हमारा डोसा नहीं बन जाता, पूरा हमारे डोसे की तरह एक डो नहीं बन जाता है, ये हमारे इससे नहीं चिपक जाता है, जब तक हम इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसको स्लो फ्लेम पर पकते हुए 1 मिनट हो गया है। इस वक्त हम अपने फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, चलाने का हाथ भी थोड़ा तेज कर देते हैं और हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये 1 टीस्पून होममेड देसी घी है हमारा, सिर्फ 1 टीस्पून ही डालेंगे और थोड़ा सा कम ही डाला है हमने, ना भी डाले तो कोई हर्ज नहीं है, केशू का अपना खुद ही ऑयल होता है। हमने इसको मीडियम करा था, सिर्फ 10 ही सेकंड के लिए करा था, वो यहाँ डार्क कलर देने लगा जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमने इसको फिर से स्लो कर दिया है, हम इसको स्लो फ्लेम पर ही
थोड़ा सा और ठीक हो जाने तक 10 सेकंड और पकाते हैं। ये देखें, ये हमारा पैन छोड़ने लगा है, बिल्कुल हटने लगा है पैन से, हमारे चमचे के साथ चिमट के आ रहा है। ये बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए था। हम फौरन अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं और यही वाला बाउल ले लेते हैं जिसमें हमने अपना केशव पाउडर फौरन से इसमें डाल देते हैं। ये पैन में ही डालना था 1 पिंच ग्रीन कार्डिमम पाउडर, तो इसको डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखें, हमने इसको इसमें डाल दिया था, ये चिपक रहा है हाथ पे, तो हम हल्का सा ये घी लगा लेते हैं। काजू है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर चिपक होती है, वो भी ओरिजिनल है, हमारे घर का ही है, तो उसमें और ज्यादा लोच यानी कि चिपक होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम इसको बाउल से हटा देते हैं, कभी ये छोड़ते हैं। इतना हम क्या करते हैं, ये बटर पेपर ले लेते हैं, हम इसको ग्रीस कर लेते हैं और हम अपने डो को इस पे निकालते हैं। ये देखें, ये बटर पेपर पे भी चिपक रहा है, देसी घी थोड़ा सा ज्यादा ही लगा दें। हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारा पेड़ा है, ये बिल्कुल जैसा हमारा आटा होता है ना सॉफ्ट, बिल्कुल उस वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये हमें ऐसा ही चाहिए था। हम इसको अभी से ही चकोर सा शेप दे देते हैं और इसी शेप में हम बढ़ाने की कोशिश, थोड़ा सा ही बढ़ाया है, फिर से इसको ग्रीस कर लेते हैं और अब इसको इस पर रख देते हैं और क्या करते हैं, एक तेज की ऊपर से डाल देते हैं फॉइल की, लेकिन फॉइल में इधर जगह रहनी चाहिए, यूं करके जितना हमें बड़ा करना है इधर जगह रहनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा आगे सरकाएंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज का, जितनी इधर जगह है इतनी ही इधर रहनी चाहिए। अब हम इसको बेलते हैं इसी चकोर शेप में। ये देखें, हमारा ये बिल के तैयार है, जैसा बिल्कुल चौकोर हमने परफेक्ट चाहा था ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से थोड़ा सा ही, तो ध्यान से हम इसको हटा लेते हैं और इस बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, हर चीज फायदेमंद होती है, चाहे वो मिट्टी हो, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, चांदी हो, सोना हो, हर चीज। आप देखेंगे चांदी के वर्क को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये इस तरीके से कागज की तह में आता है। हम सिर्फ एक तह हटाएंगे कागज की और आप देखेंगे इसको सीधा ही कागज की हेल्प से हम इसको यूं लगा देंगे और ये कागज हटा देंगे। इसी तरीके से हम इसको पूरे देखें, हम इसको ये जो इधर की तरफ से है थोड़ा सा जो वेस्ट जाने वाला है यहीं से ही शुरू कर देते हैं। हमने इसको कट कर लिया है, हमने इसको पहले ही कट कर लिया है, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी कट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक प्लेट ले लेते हैं और इसको साइड सरका देते हैं और बटर पेपर की ही हेल्प से यूं खींचेंगे और इसको हम अपनी प्लेट पे सरका देते हैं। हम इसको फ्रिज में छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर निकालते हैं अपनी ये काजू कतली, बड़ी आसानी से निकल जाएंगी फ्रिज में रखने के बाद। ये देखें, हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, अब ये बिल्कुल सेट होके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल करारी सी हो गई है, ये हमें ऐसी ही चाहिए थी। इसको आप बाहर भी छोड़ देंगे तो भी करारी हो जाएगी, हमने फ्रिज में सिर्फ आपकी वजह से छोड़ा है कि जल्दी से वीडियो को फिनिश कर लें। तो ये देखें, बड़ी आसानी से ये पीस निकल जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम इसको काट तो पहले ही चुके हैं, तो सिर्फ हमें ये निकालने हैं। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं सभी पीस। ये देखें, इस तरीके से फटाफट से सजा लेते हैं, किसी और बढ़िया से तरीके से आप जानते हैं तो उस तरीके से सजा लें। और ये देखें, हमारी काजू कतली बिल्कुल तैयार है और ये जो हमारे टूटे फूटे से पीस हैं इसमें से मैं दिखाती हूँ आपको एक पीस उठा के कि हमारी काजू कतली बिल्कुल कैसी होनी चाहिए। यूं तोड़ें तो यूं टूट जानी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मैं इसको आपको मेल्ट करके दिखाऊंगी, अंदर का जो इसका रेशा है ये बिल्कुल इस तरीके का पका हुआ होना चाहिए, जो इसके अंदर आपको काजू के कण दिखाई देंगे तो वो आपके काजू पके हुए नहीं होंगे। आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर काजू को पकाएंगे पानी के साथ तो आपको ऐसा ही मिलने वाला है। बहुत आसान है, बरकत भी बहुत होती है और इतनी प्योर चीज तो सिर्फ अपने घर की ही बनाई हुई हो सकती है। तो इस तरीके से बनाइए, हमारे तरीके से बनाइए और जरूर बनाएं आप ये काजू कतली। और हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।